हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फूड स्टैंडर्ड का जनरल इंट्रोडक्शन किया था और आज हम लोग करने वाले हैं मिल्क स्टैंडर्ड के बारे में। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया उसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टैंडर्ड क्या होता है उसको बताया था। तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि किसी भी फूड प्रोडक्ट में उसका क्वालिटी पे लिमिट लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फूड स्टैंडर्ड। जैसे अगर कोई फूड प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट में एक होता है हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, लो क्वालिटी। तो एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया गया है जिससे फूड का क्वालिटी लो नहीं होना चाहिए। अगर उस स्टैंडर्ड सेट की वजह से फूड प्रोडक्ट का क्वालिटी लो हो जाता है तो वो मार्केट में प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते हैं। और सपोज कोई अथॉरिटी है जो इसने मीडियम क्वालिटी पे सेट कर दिया है कि कोई भी फूड प्रोडक्ट है वो मीडियम क्वालिटी तक चलेगा, अगर लो क्वालिटी रहेगा तो वो मार्केट में नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या सेट कर दिया, क्वालिटी में लिमिट सेट कर दिया, तो उसी को क्या बोल देते हैं, फूड स्टैंडर्ड। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था फूड स्टैंडर्ड का चार्ट, जिसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है फूड स्टैंडर्ड में। तो सबसे पहला आता है रिक्वायरमेंट, जैसे मॉइस्चर कंटेंट, वाटर पीएच वैल्यू, फैट इत्यादि। तो ये सारे रिक्वायरमेंट हो जाते हैं फूड स्टैंडर्ड में, मतलब कौन से फूड में कितना क्या होना चाहिए। उसके बाद स्पेसिफिक, किसी फूड प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन और गाइडलाइंस प्रोवाइड किया गया हो उसको आप फॉलो कर रहे हैं। या सपोज किसी प्रोडक्ट को आप तैयार कर रहे हैं तो आप कौन से प्रोसेस से आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसकी फसाई द्वारा गाइडलाइंस तैयार करके दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फूड का रेस्ट्रिक्शन पे स्टैंडर्ड क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए उस पर बात किया था। उसके बाद यूज ऑफ फूड स्टैंडर्ड पे भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था। अगर वीडियो नहीं देखे तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया था। अब टाइप ऑफ फूड स्टैंडर्ड क्या होता है, तो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड होता था, प्रोसेस स्टैंडर्ड होता है, इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्ड, ये सारे हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था मैंडेटरी स्टैंडर्ड क्या है। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने वीडियो के अंत में वॉलंटरी स्टैंडर्ड बताया था। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो क्या है, मिल्क स्टैंडर्ड। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल होता है कि मिल्क क्या होता है। मिल्क का जो सोर्स है वो एनिमल्स, उसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो भी हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट्स होता है। और मिल्क जो है ये व्हाइट ओपेक लिक्विड होता है, यानी कि उस किसी कंटेनर में है, आप उसमें दूध डाल दिया तो आप ऊपर से देखेंगे तो नीचे तक दिखाई नहीं देगा, तो वैसे लिक्विड को क्या बोलते थे, ओपेक लिक्विड। ठीक है, तो मिल्क एक ओपेक लिक्विड है और जो भी बच्चे भोजन नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का सोर्स क्या हो जाता है, मिल्क। यानी कि जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, तो हम सबसे पहले अपने मम्मी का दूध पीते थे, उसके बाद फिर काऊ का मिल्क पिलाया जाता था, तो वो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड मान सकते हैं मिल्क को। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि मिल्क में 87% वाटर कंटेंट होता है और 13% में फैट और सॉलिड नॉट फैट पाया जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आ जाता है रॉ मिल्क। रॉ मिल्क क्या होता है कि कच्चा दूध, कच्चा दूध यानी कि कोई भी पास्चराइज्ड या स्टेराइड मिल्क नहीं होता है, वो डायरेक्ट एनिमल सोर्स से जो मिल्क हम लोग सेक्रेशन कराते हैं उसको क्या बोल देते हैं, रॉ मिल्क। रॉ मिल्क हमको कहाँ से मिलता है, जैसे कॉ से हो गया, बफेलो से हो गया, गोट से हो गया, सीप से हो गया, कैमल से हो गया। तो ये सारे मतलब कॉ, बफेलो, गोट, सीप, ये सारे क्या हो गए, रॉ मिल्क का एक सोर्स है। ठीक है, बात आता है मिक्स्ड मिल्क। ये जैसे काऊ का अलग दूध लिया, बफेलो का अलग दूध लिया, गोट का अलग दूध लिया, सीप का अलग दूध लिया, और ये सारे अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग कंटेनर में लिया, और लास्ट में हम लोगों ने सारे एनिमल का जो दूध था एक कंटेनर में मिला देंगे, तो उसको क्या, उस दूध को क्या बोल देंगे, मिक्स्ड मिल्क। ठीक है, उसके बाद आता है मिक्स्ड मिल्क के बाद स्केम्ड मिल्क। हम लोगों ने क्या किया, रॉ मिल्क को मिक्स्ड मिल्क बना दिया, यानी कि काऊ, बफेलो, गोट, सीप, जितने सारे एनिमल से दूध लिया उसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद उसमें से जितना भी फैट था हम लोगों ने फैट को निकाल दिया, तो उसको क्या बोल देते हैं, स्केम्ड मिल्क। यानी कि फैट हम लोग कितना निकाल सकते हैं, जीरो के बराबर, जीरो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेस देन 0.5%, यानी कि लेस देन 0.5% तक हम लोग फैट रिमूव कर देते हैं, तो उस दूध को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केम्ड मिल्क बोलेंगे। अलग अलग मिल्क का फॉर्म होता है, जैसे डबल टोन मिल्क, सिंगल टोन मिल्क, रिकॉम्बिनेंट मिल्क, उसके बाद स्टैंडर्डाइज मिल्क होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि डबल टोन मिल्क क्या होता है, सिंगल टोन मिल्क क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट मिल्क क्या होता है, स्टैंडर्डाइज मिल्क क्या होता है, और इसका मिल्क, रॉ मिल्क, मिक्स्ड मिल्क, स्केम्ड मिल्क, ये सारे का क्या स्टैंडर्ड सेट किया गया है। ठीक है,
तो हम लोगों ने स्किम मिल्क में पढ़ा था कि इसका फैट कंटेंट कितना होता है, लेस देन 0.5%। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं डबल टोन मिल्क क्या होता है। तो डबल टोन मिल्क में क्या होता है कि सपोज हम बफाइलो का दूध लिए, बफाइलो का दूध में फैट जनरली कितना पाया जाता है, मान के चलो 6% इसमें फैट था। ठीक है, तो 6% फैट को हमको घटाना कितना है, 1.5% तक। तो हम क्या करेंगे, बफाइलो मिल्क जो है उसमें 6% फैट है, और हम जानते हैं कि स्किम्ड मिल्क का जो फैट कंटेंट है 0 के बराबर है। ठीक है, यानी कि लेस देन 0.5 है। तो हम क्या करेंगे, बफेलो के मिल्क में हम स्किम्ड मिल्क मिला देंगे, और स्किम्ड मिल्क का क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, बफेलो का जो फैट, बफेलो मिल्क में जो फैट है वो डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हम स्किम्ड मिल्क को बढ़ाते जाएंगे क्वांटिटी। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि मिल्क का जो फैट होगा उसका कितना हो जाएगा, 1.5%। ठीक है, तो उस मिल्क को हम क्या बोल देंगे, जो 6% से हम घटा स्किम्ड मिल्क मिला के हम फैट कंटेंट को 1.5% तक कर दिया, और SNF हम 9% कर दिया, तो उस मिल्क को हम क्या बोलेंगे, डबल टोन मिल्क बोलेंगे। ठीक है, हम लोग फिर से बफेलो के ही दूध लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना, मान के चलो 6% फैट थी, तो 6% फिर से स्किम्ड मिल्क मैंने उसमें क्वांटिटी मिलाते गया स्किम्ड मिल्क का, तो बफेलो का जो फैट कंटेंट था वो डिक्रीज होते गया। ठीक है, यानी कि स्किम्ड मिल्क का क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो बफेलो का जो फैट है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो डिक्रीज करते करते हमने कितना कर दिया, 3% तक फैट रहने दिया, तो वैसे मिल्क को हम क्या बोल देंगे, सिंगल टोन मिल्क। ठीक है, और इसका SNF कितना हो जाएगा, 8.5 हो जाएगा। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट मिल्क क्या होता है कि हम ड्राई मिल्क फैट लेते हैं, उसके बाद स्किम्ड मिल्क पाउडर ले लेते हैं और पानी ले लेते हैं। तो ड्राई मिल्क फैट और स्किम्ड मिल्क पाउडर और पानी मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, दूध का फॉर्म बन जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिकॉम्बिनेंट मिल्क। और इसका कितना होता है फैट परसेंटेज, तो रिकॉम्बिनेंट मिल्क का फैट परसेंटेज होता है 3%। ठीक है, और सॉलिड नॉट फैट कितना होता है, 8.5% होता है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा सारे, मैं डिटेल में लिख के बताऊंगा। ठीक है, सिंगल टोन में फैट कंटेंट कितना होता है, 3% होता है, सॉलिड नॉट फैट भी 8.5% होता है। अब स्टैंडर्डाइज मिल्क इसी तरीके से क्या होता है, स्टैंडर्डाइज मिल्क जो होता है इसका फैट कंटेंट होता है 4.5%, और इसका SNF होता है 8.5%। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं मिल्क का जो कंपोजिशन होता है उसका स्टैंडर्ड क्या होता है। सपोज आपसे पूछ देगा कि बफेलो का मिनिमम फैट कितना होता है, सॉलिड नॉट फैट कितना होता है, कॉ का फैट कितना होता है मिनिमम, और सॉलिड नॉट फैट कितना होता है, गोट का कितना होता है, शेप का कितना होता है, रॉ मिल्क का कितना होता है, मिक्स्ड मिल्क का कितना होता है, स्किम्ड मिल्क का कितना होता है। तो ये सारे हम लोग कंपोजिशनल स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बफेलो को देख लेते हैं, टाइप ऑफ मिल्क में आ जाएगा बफेलो। जैसे असम का बफेलो, बिहार का बफेलो, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इन जगहों पे जो बफेलो होते हैं उनके जो मिल्क में जो मिनिमम फैट होते हैं वो 6% होते हैं। ठीक है, और सॉलिड नॉट फैट कितना होता है, 9% होते हैं। उसके बाद बफेलो, अगला बफेलो बात करें, इन सारे स्टेट को अगर छोड़ दें और इन सारे के अलावा जितने भी स्टेट का जो बफेलो होते हैं उनका मिनिमम फैट कितना होता है, 5%, और सॉलिड नॉट फैट मिनिमम कितना होता है, 9%। तो हम जनरली ऐसे हम कह सकते हैं कि बफेलो का मिल्क फैट जो होता है वो मिनिमम 5 से 6% होता है, और सॉलिड नॉट फैट कितना होता है, मिनिमम 9%। ठीक है, उसके बाद हम कॉ मिल्क की बात करें तो कॉ मिल्क का मिनिमम फैट कितना होता है, 3.2% होता है। उसके बाद सॉलिड नॉट फैट मिनिमम कितना होता है, 8.3%। अब गोट और शेप की बात करें तो गोट और शेप का मिल्क फैट मिनिमम 3% होता है, और सॉलिड नॉट फैट कितना होता है, 8% होता है। यहाँ पे कैमल मिल्क के बारे में ही बात किए हैं, तो कैमल मिल्क का जो फैट होता है वो मिनिमम 2% होती है, और सॉलिड नॉट फैट कितना होता है, 6%। ये बातें याद रखना। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देख लिया था कि कॉ बफेलो गोट शेप का जो मिनिमम फैट होता है और मिनिमम सॉलिड नॉट फैट होता है वो कितना होता है, वो हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर मैंने लिखित रूप में बताता रहा हूँ कि मिक्स्ड मिल्क का जो फैट होता है 4.5% होता है, सॉलिड नॉट फाइव फैट कितना होता है, 8.5%। ठीक है, स्किम्ड मिल्क में मैंने बताया था कि
0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए फैट। तो NMT का मतलब है नॉट मोर देन 0.5%। उसके बाद फिर सॉलिड नॉट फैट कितना होना चाहिए एसक्यू मिल्क में 8.7। अब यहाँ पे सिंगल टोन मिल्क भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो टोन मिल्क का फैट कितना होता है 3%, सॉलिड नॉट फैट कितना होता है 8.5%। डबल टोन मिल्क का कितना होता है फैट 1.5, मैंने बहुत बार समझा रखा। और सॉलिड नॉट फैट कितना होता है 9%, ये चीज आपको याद करना है। रिकमेंडेड मिल्क में मैंने बताया कि फैट कितना होता है 3% होता है, सॉलिड नॉट फैट कितना होता है 8.5%। रिकमेंडेड मिल्क कैसे बनता है मैंने पीछे ही बता रखा। स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क में क्या होता है कि फैट का परसेंटेज 4.5 होता है और सॉलिड नॉट फैट 8.5%। तो अगर सॉलिड नॉट फैट की बात करें तो सिर्फ डबल टोन मिल्क के छोड़कर बाकी सारे जितने भी सिंगल टोन मिल्क रिकमेंडेड स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क है इन सारे में SNF सेम, यानी कि सॉलिड नॉट फैट। अच्छा, ये सॉलिड नॉट फैट होता क्या है? अदर देन फैट विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं वो सॉलिड नॉट फैट हो जाते हैं। अब यहाँ पे फैट कैसे याद रखोगे? तो फैट अगर सिंगल टोन मिल्क बोला तो याद रखना 3%, डबल टोन तो उसके आधा कर देना यानी कि 1.5। रिकमेंडेड मिल्क सिंगल टोन मिल्क पर आधार होता है कितना 3%, और स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क जब भी बात करें तो 4.5% याद रखना। यहाँ पे मिक्स मिल्क और स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क में दोनों में देखो, यहाँ पे मिक्स मिल्क में भी फैट कितना 4.5%, सॉलिड नॉट फैट कितना होता है 8.5%, और स्टैंडर्डाइज मिल्क में भी फैट कितना 4.5%, सॉलिड नॉट फैट कितना 8.5%। तो मिक्स मिल्क और स्टैंडर्डाइज मिल्क का कंपोजिशनल स्टैंडर्ड क्या है? सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सवाल में आ जाए कि फुल क्रीम मिल्क का फैट और सॉलिड नॉट फैट कितना परसेंट होता है मिनिमम, तो फुल क्रीम मिल्क का फैट जो मिनिमम होता है 6% होता है और सॉलिड नॉट फैट कितना होता है मिनिमम 9%। तो ये फुल क्रीम का याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। चलो अब यहाँ पे मैं आपको जनरली बता दे रहा हूँ कि मिल्क का डेफिनेशन क्या हो सकता है, और फिर आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इवेपोरेटेड मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क एंड उसका कंपोजिशनल स्टैंडर्ड क्या होता है। उसके बाद फिर मिल्क प्रोडक्ट का जो कंपोजिशनल स्टैंडर्ड होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।